जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, खेती में कीटों व रोगों का प्रकोप तो होता ही है, जिसके लिए हम बाजार से कई प्रकार की दवाइयां लेकर आते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। आजकल बाजार में कई बहुराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपनियों के नियम आधारित जैव कीटनाशक उपलब्ध हैं, जो अपेक्षाकृत काफ़ी महंगे होते हैं और हम लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन उत्पादों को आप अपने घर में ही स्वयं बना सकते हैं, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और इसमें लागत भी नाम मात्र की आती है, यानी कि ना के बराबर। तो दोस्तों, आज हम नीम आधारित जैव कीटनाशक के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, बाजार में जो नीम प्रोडक्ट मिलते हैं वह शुद्ध हैं या नहीं हैं, ये तो जानना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप स्वयं बनाएंगे तो शुद्धता की गारंटी होगी। नीम तो हमारे आसपास में मिलती ही है और वर्षों से हम अपने जीवन में इसका प्रयोग भी करते हैं। तो दोस्तों, नीम आधारित जैव कीटनाशक को कैसे बनाया जाना है, यानी कि इसकी विधि क्या है, तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें नीम की निम्बौली इकट्ठी करनी है। इसे कैसे इकट्ठा करना है, आप नीम के नीचे की जमीन को साफ सुथरी कर दें, फिर आप उसके नीचे किसी कपड़े यानी कि सूती कपड़े या मच्छरदानी को बिछा दें, फिर निम्बौली से लदे जो नीम की टहनियां हैं उनको आप हिलाएं, जिससे क्या होगा, जो पके हुए फल हैं वो उसमें गिर जाएंगे और इस गिरे हुए पके फल को आप इकट्ठा कर लें। अगर आप जमीन में हैं तो आप इकट्ठा करके उसको साफ भी कर लें। फिर क्या करना है दोस्तों, आप निम्बौली से बीज को निकालना होता है। निकालने के लिए आप क्या करेंगे, निम्बौलियों को जो है आप किसी बाल्टी या टब में डालें और उसमें पानी भर दें, फिर आप इन निम्बौलियों को हाथ से मसल करके गूदे को बीज से अलग कर दें। अलग करने के बाद आप इसे इकट्ठा कर लें और पानी उसका फेंक दें। जब बीज निकल जाएंगे तो आप इन बीजों को आप किसी कपड़े पर या छत के ऊपर आप इसे फैला दें और 7-8 दिन तक इसे सुखा लें। जब ये सूख जाएं तो आप इसे किसी जूट की बोरी में भरकर रख दें, यानी कि जिस बोरी में रखें उसमें हवा जाती रहे। फिर आप क्या करें, जो ये बीज सूख गए हैं उसके ऊपर जो सख्त छिलका है उसे तोड़कर अंदर की गिरी को निकाल लें, फिर इस गिरी को आप पीसकर महीन पाउडर बना लें। और जब पाउडर आप बना लेंगे तब आप क्या करना है दोस्तों, इस पाउडर का घोल बनाना है। और घोल कैसे बनेगा दोस्तों, इसके लिए आपको 10 लीटर पानी में 2 किलो पाउडर मिला दें और इसे रात भर रख दें, और दूसरे दिन आप इस घोल को छान लें और इस छाने हुए घोल को आप 100 लीटर पानी में मिला लें। इस प्रकार ये कीटनाशक फसलों पर स्प्रे करने के लिए तैयार है। तो देखा दोस्तों, ये कितना आसान है, आसानी से कीटनाशक तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अब इस तैयार कीटनाशक घोल को स्प्रे में भरकर खड़ी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर है और प्रभावकारी है। तो दोस्तों, आपने जाना कि बिना किसी खर्च के नीम आधारित जैव कीटनाशक घर पर ही आसानी से तैयार किया जा सकता है, जो कि एकदम शुद्ध है, और इसे आप अपनी फसलों पर आवश्यकतानुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही नीम आधारित जैव कीटनाशक की, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।